हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत पेसोनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एवीएस टेक अनंत पेसोनी में। आपने देखा होगा कि मैं आपके लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज लेके आता हूँ। मैं आपके लिए ब्लॉगिंग बताता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई, एवरीथिंग, जहां से भी आप एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अभी आपने कुछ दिन से देखा होगा तो मैं आपके लिए कुछ ड्रॉप शिपिंग के वीडियोज भी दे रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे कमेंट किए थे कि क्या ड्रॉप शिपिंग खत्म हो गई है या ड्रॉप शिपिंग प्रॉफिटेबल नहीं रही है। तो ये सभी वीडियोस मैंने आपके लिए बताए थे कि 7 दिन के लिए मैंने अगर ड्रॉप शिपिंग ट्राई की है तो उसका भी मैंने आपके लिए एक वीडियो यहाँ पे बना के दिया हुआ था। साथ ही आप ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कहाँ से फाइंड कर सकते हैं वो सारी चीजें बताई थी, बेस्ट अली एक्सप्रेस अल्टरनेटिव मैंने बताए थे। तो डिफरेंट टाइप की जो भी चीजें मुझे समझ में आती है वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी जो मैंने आपके लिए ये वाला एक रिव्यू बताया था जहाँ पे मैंने आपके लिए एस पॉकेट के बारे में बताया था कि आप अगर चाहें तो आप एस पॉकेट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए प्रीमियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी बहुत सालों से मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आप इसको जरूर देखना। इसमें मैंने सारी चीजें आपके लिए बताई है कि कैसे आप विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करके और एक बहुत अच्छा मार्जिन निकाल सकते हैं या कहा जाए तो इंस्टेंट सेल लेके आ सकते हैं। इसी टाइप से 7 दिन के लिए मैंने एक नया ब्रांड न्यू स्टोर क्रिएट किया, उस पर क्या रिजल्ट आए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपके लिए एक लास्ट टाइम बताया था कि मैं जो यहाँ पे प्लान यूज करता हूँ वो बहुत ही कॉस्टली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं $948 का, कहा जाए तो एनुअल पे करना पड़ता है $79 पर मंथ का इसका प्लान है। अगर आप इसके कम से कम में भी जाया करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन $24 का प्लान है। और आप अगर इन सब में नहीं पढ़ना चाहते कि आपके लिए प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके लिए यूएस और यूके वगैरह के आपके लिए प्रोडक्ट मिलेंगे और ये जो भी प्रोडक्ट रहेंगे मोस्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स मिलेंगे और ये सभी स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं होते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए इसको रिकमेंड करता हूँ, एस पॉकेट आपके लिए इसीलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके लिए फास्ट शिपिंग मिल जाती है और यूनिक प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपके लिए ये सब चीजें नहीं करना है, आप अगर अभी स्टार्टिंग में खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। वो काम क्या है कि आप यहाँ पे सबसे पहले तो आइए तो आप एस पॉकेट में एक अपना अकाउंट बना लीजिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आपको उस लिंक पे जाना है और अपना एक अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद जो मैं आपके लिए यहाँ पे आज जो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि आप अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट्स को कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं और फ्री में आपका सारी चीजें फ्री में होंगी और कहा जाए तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं ओवरलो का आप इसको एक बेस्ट अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं क्योंकि ओवरलो में ऑब्वियसली बात है कि कुछ लिमिटेशंस है लेकिन यहाँ पे आपके लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं रहा करती हैं। इसके साथ एक और जो है कि आप इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ में यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरलो जो है वो सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई के लिए है लेकिन अगर आप एस पॉकेट को यूज करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विक्स में है आपका स्टोर, वूकॉमर्स में है, बिग कॉमर्स, अलीबाबा या कहीं भी आपका स्टोर है, आप सभी जगह इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये इसका एक खास बेनिफिट लगता है जिसकी वजह से मैं इसको यूज करता हूं और आप भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आके यहाँ पे एक आप अकाउंट जरूर बना लेना जो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन दिखाई दे रहा है। सिंपल सा यहाँ पे आके आपको एक अकाउंट बना लेना है, आपको अपना नेम डालना है, ईमेल डालना है और किस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं ये आपको सिंपल सा डाल के और गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आती है कि आपको कुछ इस टाइप का एक डैशबोर्ड दिखाई देने लगेगा, देन आपको यहाँ पे एप्स में आना है और एप्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आपके लिए एक न्यू एप इन्होंने लॉन्च की है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसका नाम है अली स्क्रैपर। अली स्क्रैपर क्या करता है कि जैसे आपने ओवरलो देखा होगा कि ओवरलो जो भी अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट हैं वो सभी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, इमेजेस वगैरह वगैरह जो भी चीजें होती हैं ये सारी की सारी चीजें ये यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे इम्पोर्ट कर दिया करता है। अब आपकी वेबसाइट अगर शॉपिफाई में है, वूकॉमर्स में है, जिसमें भी आपकी वेबसाइट है उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं और इसके साथ ही अली स्क्रैपर के कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं जो कि आपके लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट फाइंड करके दे सकते हैं, रिकमेंडेड प्रोडक्ट फाइंड करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो एक्सटेंशन है वो आपके लिए अगर डाउनलोड करना है तो सिंपल सा डाउनलोड द एक्सटेंशन जो यहाँ पे बटन दिया हुआ है सिंपल सा इस पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपके लिए इस टाइप का एक लेआउट आएगा। यहाँ पे आप बाकी सारी चीजें भी इनकी देख सकते
सकते हैं। और यहाँ पे जो आपके लिए एड टू क्रोम का बटन आ रहा है, सिंपल सा आपको यहाँ पे एड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है। और आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं यहाँ पे एक नया आइकॉन आना शुरू हो गया है, और ये जो है ये आपके लिए डायरेक्ट अली एक्सप्रेस पे लेके जाएगा। अब चूंकि अली एक्सप्रेस इंडिया में काम नहीं करती है, तो यहाँ पे आप एक VPN का यूज कर सकते हैं। चूंकि मैं यहाँ पे एक VPN का यूज करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो आप यहाँ पे एक प्रोटोन VPN करके एक आता है, ये आप डाउनलोड कर लेना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री है, मतलब जो भी टॉप टीयर कंट्रीज हैं उनके लिए फ्री है। और आप मोस्टली यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ही यूज किया करो, क्योंकि हमारी टारगेटेड ऑडियंस भी यूनाइटेड स्टेट्स है। तो अभी मैं यहाँ पे फिर से रिलोड का बटन क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हैं अली एक्सप्रेस ऑब्वियसली बात है लोड हो चुका है। और मेरे ख्याल से आप अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपका अली एक्सप्रेस में अकाउंट जरूर होगा। अगर आपका नहीं है तो भी आप यहाँ पे आके एक अकाउंट जरूर बना लेना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि आप अपने जो भी ऑर्डर्स वगैरह, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑब्वियसली बात है हर वीक में बहुत सारे ऑर्डर निकालता हूँ, तो आप उन सभी ऑर्डर्स के लिए ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक अकाउंट यहाँ पे जरूर बनाना है। यहाँ पे चूंकि मैं ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुका हूँ, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आपको जाना है, ये अली स्क्रैपर वाले जो आइकॉन आपके लिए दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। जो भी आपने यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ था, उसी अकाउंट के जो आपने जो भी ईमेल पासवर्ड वगैरह बनाए हुए थे उसके साथ आपको लॉगिन कर लेना है। साथ ही यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के ऑप्शन भी है, सपोर्ट भी है, और बाकी चीजें भी दी हुई हैं। वो सारी चीजें आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसको बना सकते थे। और यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का लेआउट दिखाई देगा। और यहाँ पे आपके लिए सिंपल सा करना क्या है कि आपके लिए यहाँ पे जब भी आप किसी भी कैटेगरी के अंदर जाएंगे तब आप इसको चेक कर सकते हैं, या जो भी चीज आप फाइंड करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम कैट के प्रोडक्ट अगर फाइंड करना चाहते हैं, सिंपल से आप यहाँ पे कैट के प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, या जिस टाइप के भी आपको प्रोडक्ट चाहिए हैं वो चीज आप फाइंड कीजिए। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि हर प्रोडक्ट के ऊपर इंपोर्ट टू एक्स पॉकेट का यहाँ पे बटन आना शुरू हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे आप लेके जाएंगे, आपको सभी जगह पे ये वाला बटन हर प्रोडक्ट के ऊपर दिखाई देगा। किसी भी प्रोडक्ट पे आप लेके जाएंगे, जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी पे ये वाला बटन आना शुरू हो जाएगा, और सिंपल सा आप इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे और भी बहुत सारी सेटिंग यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं शिपिंग इन्फो अगर कुछ अपडेट करनी है तो वो भी आप यहां पे कर सकते हैं। कि मान लीजिए आप यहां पे चाह रहे हैं कि शिपिंग टाइम भी आपके लिए दिखाई दे तो आप इसके लिए ऑन कर दीजिए। देन आपके लिए शिप टू कंट्री, कौन सी कंट्री में आपके लिए शिप करना है वो कंट्री भी आपको यहां पे सिलेक्ट करनी है, तो यहां पे मैंने यूनाइटेड स्टेट करके रखा है। फिर आपके लिए शिपिंग मेथड आपके लिए कौन सी चाहिए है, तो वो शिपिंग मेथड भी आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कि जो भी आपके लिए चाहिए है वो शिपिंग मेथड आप सिंपल से यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि अगर इनमें से कोई भी चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो वाला प्रोडक्ट हाइड हो जाए, तो आप यहाँ पे सिंपल सा इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे अपडेट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी पे यहाँ पे आने लगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड अवेलेबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिपिंग टाइम इसमें कितना लगेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी में यहाँ पे ए टू जेड दिखाई देने लगा कि इसमें 29 डेज लगेंगे, इसमें 28 डेज लगेंगे, इसमें 31 डेज लगेंगे। और यहाँ पे प्राइस जो है, प्राइस कितना लगेगा अली एक्सप्रेस पे, अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग अवेलेबल है या नहीं है, तो ये सारी चीजें ये यहाँ पे दिखाई देने लगा। और जिसमें फ्री है वो फ्री भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ पे एक और बहुत शानदार ऑप्शन, मतलब कहा जाए तो इस ऐप में अगर नहीं है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ पे शिप फ्रॉम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ये तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया कि आप किस कंट्री में पहुंचाना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट से ही वो वाला प्रोडक्ट जाए तो फिर आपके लिए ऑब्वियसली बात है कि वहां पे कम टाइम लगेगा, तो आप इस ऑप्शन के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अभी आप यहां पे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट रहेंगे जिनमें बहुत कम टाइम लगेगा, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं 19 डेज लग रहे हैं। वैसे अली एक्सप्रेस में ऑब्वियसली बात है टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट को यूज करना है तो ये टाइम फ्रेम ही आपके लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि इससे कम टाइम आपके लिए मिल नहीं सकता है। देन आपके पास यहाँ पे और भी ऑप्शन होते हैं कि आप सिंपल से चाहते हैं कि जिनमें फ्री शिपिंग हो वो ही प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई दें, तो वो ऑप्शन भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे चाहते हैं कि सिंपल सा बेस्ट मैच वाला यहाँ पे हो, कि मान लीजिए आपको सिंपल से जिनमें सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आए हैं वो वाले प्रोडक्ट ही आपके लिए दिखाई दें, तो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हो। ये चीजें भी आप कर सकते हो, साथ ही आप रेटिंग वगैरह भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्वियसली बात है इन सभी की रेटिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप चाहते हो कि 4+ रेटिंग जिनकी हो वही प्रोडक्ट दिखाई दें, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट भी यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं जो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया चूज किया है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, और आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं जिस प्रोडक्ट को भी आप इम्पोर्ट करना चाहें वो प्रोडक्ट आप यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये तो मेरे स्टोर में ऑलरेडी है, तो अभी हम यहाँ पे कोई और एक प्रोडक्ट फाइंड कर लिया करते हैं। ये थोड़ा सा शानदार प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, प्राइस भी कम है, शिपिंग टाइम भी कहा जाए तो 28 डेज है, और ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा सा शानदार दिखाई दे रहा है, प्राइस लेकिन इसके थोड़े से ज्यादा है, तो ये प्रोडक्ट हम नहीं जाएंगे। बाकी इसमें आप देख सकते हैं शिपिंग टाइम सिर्फ और सिर्फ 7 डेज है, तो ये प्रोडक्ट अगर इस टाइप के आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली आपके लिए ये ट्राई करना है कि वो जो प्रोडक्ट है वो कम से कम टाइम में पहुंचे, साथ ही फ्री शिपिंग हो, और प्रोडक्ट भी कहा जाए तो थोड़ा सा यूनिक हो। तो जैसे यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये जाए तो इसकी कॉस्ट तो 5.7 शिपिंग कॉस्ट लग रही है, 30 दिन में पहुंच रहा है, $6 का प्रोडक्ट है, 5-star रेटिंग है, तो ये प्रोडक्ट भी मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि पेट क्लीनिंग ब्रश टाइप का ये कुछ है, तो ये जो चीज है ये थोड़ी सी ठीक लग रही है। अभी हम फिलहाल के लिए इसी को इंपोर्ट कर लेते हैं, और आप चाहें तो एक बार इस प्रोडक्ट को चेक भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन हो गया है, सारी चीजें आप इसकी चेक कर सकते हैं कि चीजें परफेक्ट तरीके से दिखाई दे रही हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं। जो भी चीजें हैं अगर परफेक्ट तरीके से हैं तभी आपको उसको इम्पोर्ट करना है। साथ ही साथ आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी इम्पोर्ट का बटन आप दबा सकते हैं, कि आप चाहें कि अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसी टाइप से कर सकते हैं कि एक एक करके सभी में आप प्रेस करते जाइए, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक और बेनिफिट क्या मिल जाता है कि यहाँ पे आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर सकते हैं। सिंपल सा जो यहाँ पे नीचे आपको एक इम्पोर्ट टू एस पॉकेट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्ट लिस्ट में यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इम्पोर्ट लिस्ट है इसमें एक प्रोडक्ट ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हो गए। जैसे अभी जो हमने प्रोडक्ट इम्पोर्ट किया था वो प्रोडक्ट भी यहाँ पे आ चुका है, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रोडक्ट इम्पोर्टेड सक्सेसफुली इस टाइप का आ रहा है, और आप यहाँ से भी इम्पोर्ट लिस्ट ओपन कर सकते हैं। और एक और एस पॉकेट की खास बात ये भी है कि यहाँ पे आपके लिए एक आप यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रहा होगा रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स वाला, ये बटन आपके लिए एक और यहाँ पे हर प्रोडक्ट पे आपको दिखाई देगा जब भी आप किसी एक प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे। जैसे ये जो है ये कैटेगरी पेज है या कहा जाए तो सर्च पेज है, लेकिन ये जो है ये प्रोडक्ट पेज है। आपने जो भी प्रोडक्ट सर्च किए होंगे, मतलब अभी ऐसा हो सकता है कि मैं इस पे क्लिक करूं तो ना दिखाई दे, लेकिन आपने जो भी तकरीबन 15-20 अगर आपने प्रोडक्ट देखे होंगे तो उन प्रोडक्ट को देखने के बाद आप इस बटन को क्लिक करना, तो आपके लिए खुद ये कुछ बेस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स दिखाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। तो एक तो ये चीज आप कर सकते हैं, इसके अलावा एक और चीज है कि आप इसके बल्क में भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब वो आप कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई सुपर डील आपके लिए दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप सिलेक्शंस दिखाई दे रहा है, न्यू अराइवल दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा आप किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में अगर करना चाहते हैं, मान लीजिए पेट केयर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, टेक हो गया, किट्स हो गया, जिस टाइप के भी प्रोडक्ट आप करना चाहते हैं, मान लीजिए एक फैशन पे हम चलते हैं कि सिंपल से फैशन के जो भी प्रोडक्ट है आप उन सभी प्रोडक्ट को अगर बल्क इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके लिए यहाँ पे मिल जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी प्रोडक्ट आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आपके लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है बल्क इंपोर्ट प्रोडक्ट्स टू एस पॉकेट, कि आपको जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाई दे रहे होंगे ये सभी के सभी प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ये बल्क में इंपोर्ट कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ सिंपल सा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ,
मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके लिए बल्क इंपोर्टिंग 66 प्रोडक्ट टू एसपॉकेट इंपोर्ट लिस्ट, मतलब कहा जाए तो यहाँ पे जो आपकी ये वाली लिस्ट है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है ये सभी के सभी प्रोडक्ट अभी यहाँ पे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और आप चाहें तो अभी के लिए आप इसको क्लोज कर दीजिए, ये अपना काम बैकग्राउंड में करता रहेगा। तो ये कुछ आपके लिए सिंपल सी चीजें बता रहा हूं कि जो यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट, इनके हिसाब से मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट हैं, अगर आप वो सिंपल से डायरेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फैशन कैटेगरी बताई है, आप यहाँ पे इसी टाइप की कोई भी कैटेगरी ले सकते हैं। मान लीजिए आप होम डेकोर के करना चाहते हैं, किड्स के करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट करना चाहते हैं, तो कोई भी एक आप कैटेगरी उठा लीजिए, आप पूरी की पूरी कैटेगरी वहां पे ऐड कर सकते हैं। कहा जाए तो ये जो एक्सटेंशन है ये मुझे बहुत शानदार लगती है क्योंकि ये परफेक्ट काम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए टू जेड सारी चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से हैं। ऑब्वियसली बात है कुछ चीजें हैं जो कि आपको मैन्युअली करनी पड़ेंगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका थोड़ा सा बड़ा नाम दिखाई दे रहा है, आपको इसका एक छोटा सा नेम यहाँ पे ऐड कर देना है। तो जैसे यहाँ पे सिंपल सा इतना नेम अभी हम यहाँ पे ऐड कर दिया करते हैं, पेट डॉग बाथ ब्रश शावर, तो ये जो हो गया इतना सा सिंपल सा हम नेम यहाँ पे ऐड कर दिया करते हैं, कैटेगरी इन्होंने खुद ले ली। और कलेक्शन चूंकि हमारे ऑटोमेटिक हैं तो चाहें तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, और मोस्टली मैंने यहाँ पे अपने स्टोर पे ऑटोमेटिक बना के रखे हैं तो ये ऑटोमेटिक फेच कर लिया करता है जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट रहेंगे या जो भी यहाँ पे कीवर्ड्स रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आप चाहें कि सेम प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अगर आपको देखना है तो यहाँ पे जो आपके लिए यहाँ पे AliExpress का बटन दिखाई दे रहा है, इस पे जाके अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह कॉपी पेस्ट आपके लिए करने की जरूरत है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो ये चीज आप चाहें तो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ खास डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मोस्टली जहाँ पे चाइना वगैरह लिखा हो ये चीज हटाई दिया करो, तो वो चीज थोड़ी सी बेस्ट रहा करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है आप यहाँ से ये पूरा डिस्क्रिप्शन आप कॉपी करके वहां पे पेस्ट भी चाहें तो आप कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। मुझे लगा कि ये चीज भी आपको बता दूं ताकि मतलब कहा जाए तो आपका स्टोर कुल मिला के परफेक्ट बनना चाहिए, ये जो है ये हमारा मेन पॉइंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से आपका ये पूरा बन जाएगा, जो भी गैप्स वगैरह हैं ये चीजें आप चाहें तो बाद में भी आप इस सारी चीजों को एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारा कुछ ऐसा हो गया, और जो स्पेलिंग वगैरह है यहाँ पे तो ये भी आप चाहें तो ये आप ग्रामरली वो भी आप ऐड करके रखिए, तो आपके लिए ये थोड़ी सी ग्रामरली मिस्टेक्स वगैरह भी यहाँ पे दिखा देगा, तो ये चीजें आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें कि स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखना है तो वो चीजें आप लिख देना, और आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी चीजें ठीक दिखाई दे रही हैं, और वेरिएशन भी आप यहाँ पे देख लेना। मान लीजिए यहाँ पे पिंक वाला प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे चाहें तो ये जो चीज है ये आप हटा भी सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राइस है, यहाँ पे एक्चुअली हमने पहले यहाँ पे प्राइस सेटअप नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि मान लीजिए ये $6 का प्राइस है तो आपकी जैसे शिपिंग तो इसमें ऑब्वियसली बात है फ्री है, तो आपको यहाँ पे सेल्स प्राइस क्या रखना है और आपका प्रॉफिट कितना होगा वो चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो मान लीजिए अभी हम इसको कर दिया करते हैं $18 के, हमको $12 का प्रॉफिट हो, और इसको भी हम $18 का कर दिया करते हैं, $12 का प्रॉफिट हो, और कंपेयर प्राइस आप जो भी रखना चाहें, मान लीजिए यहाँ पे हमने 18 रखा है और आप इसको अगर सेल में दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कंपेयर प्राइस भी डालना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 18 लिखा है तो आप यहाँ पे 24 कर दीजिए, और यहाँ पे हमने 24 कर दिया। आप चाहें तो ये वाला प्रोडक्ट हटा भी सकते हैं क्योंकि इसमें लो स्टॉक है और कहा जाए तो शायद ये प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो आप चाहें तो रखें वरना आप इसको हटा भी सकते हैं। अब आपको यहाँ पे इमेजेस भी एक बार चेक कर लेना है कि आपको अगर लगता है कि इन इमेजेस में कोई भी वॉटरमार्क वगैरह है वो आपके लिए ठीक नहीं लग रहा है तो आप उस इमेज को हटा भी सकते हैं। तो सिंपल सा आप यहाँ पे देख लेना, अगर सारी चीजें एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही हैं तो आप इसको नीचे यहाँ पे पुश टू स्टोर का आपके लिए बटन दिखाई दे रहा है, सिंपल सा आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है आपका जो भी स्टोर रहेगा, मान लीजिए आपका शॉपिफाई का स्टोर कनेक्ट है, वर्डप्रेस का स्टोर कनेक्ट है, या वूकॉमर्स का स्टोर कनेक्ट है, जो भी आपका स्टोर कनेक्ट रहेगा उसमें आपका ये वाला प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा, और आप यहाँ पे
माय प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो वो वाला प्रोडक्ट भी आपके लिए यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माय प्रोडक्ट्स में भी ये वाला प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। और आप चाहें कि आपके स्टोर पे कैसे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे व्यू ऑन स्टोर का आपके लिए बटन दिखाई दे रहा है। सिंपल सा आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अपने स्टोर पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ए टू जेड सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को कंप्लीट एडिट कर सकते हैं। आपको जो भी चीजें लगती है, मान लीजिए ये जो यहाँ पे लगे हुए थे ये चीजें अगर आपको परफेक्ट नहीं लग रही है, सिंपल से अगर आपको डैश लगाना है, कॉमा लगाना है, जो चीजें लगाना है वो चीज आप अपने हिसाब से बेस्ट बनाइए। और इसके साथ ही आप चाहें कि इनको बोल्ड वगैरह करना है तो ये जो इनके मेन पॉइंट है ये थोड़े से आप बोल्ड भी कर सकते हैं। तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो भी डिस्क्रिप्शन है वो एकदम फाइन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों जो भी हैं, कहा जाए तो फॉन्ट जो है कुछ इसमें CSS पार्ट भी होगा जिसकी वजह से ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल ए करना, मतलब कहा जाए तो पूरा कंटेंट सिलेक्ट हो जाए। और कंटेंट सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपके लिए दिखाई दे रहा है इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। ये चीज आप स्टार्टिंग में ही कर लेना। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी Shopify का डिफॉल्ट फॉन्ट रहेगा उसमें आपका पूरा कंटेंट ये आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी मेहनत आपके लिए करनी पड़ेगी और मेरे ख्याल से ये करना आपके लिए जरूरी भी है। अगर आप अपने स्टोर को अच्छा नहीं दिखा सकते तो कोई भी आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली बात है कि जितना अच्छी तरीके से आप अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है हम सारी चीजें कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत नहीं कर रहे हो तो वो समझ लीजिए कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और उसका आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। जैसा कि अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे उनमें मैंने आपके लिए बताया हुआ है कि आपको अपना प्रोडक्ट पेज कैसे बनाना है, उसकी लिंक भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे आके सिंपल सा आप यहाँ पे सर्च करना प्रोडक्ट पेज मिस्टेक्स करके, आप यहाँ पे सिंपल सा आके सर्च करना और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपके लिए एक वीडियो दिखाई दे रहा है अवॉइड 10 मिस्टेक्स ऑन प्रोडक्ट पेज, ये वीडियो आपके लिए जरूर देखना है अगर आप चाहते हो कि आपके स्टोर पे एक शानदार सेल आए। तो ये जैसे ही सारी चीजें, अगर सारी चीजें ठीक हो जाती हैं और आपको इसको सेव कर देना है और सेव करने के बाद आपको यहाँ पे ये प्रीव्यू का बटन दिखाई देगा और आप इस पे क्लिक करके आपके स्टोर पे ये वाला प्रोडक्ट कैसा दिखाई दे रहा है वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए टू जेड जो भी चीजें हैं वो एकदम क्लियरली दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने आपके लिए बताया था ये वाला प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है लेकिन ये प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे जब ये सिलेक्ट करते हैं तो सोल्ड आउट आता है। तो आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, सोल्ड आउट भी एक गुड साइन है। कहा जाए तो ये प्रोडक्ट सेल हो चुका है और ये प्रोडक्ट भी बहुत जल्दी सेल हो सकता है, तो इसीलिए लोग कई बार बहुत जल्दी भी परचेस कर लिया करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाई दे रही हैं। तो इस टाइप से आप इसका यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इमेजेस वगैरह जो भी चीजें हैं एकदम परफेक्ट तरीके से सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो इसी टाइप से सिंपल सा आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करना है। जो भी आप प्रोडक्ट इम्पोर्ट करोगे AliExpress से वो सभी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे इम्पोर्ट लिस्ट में दिखाई देंगे और आप उन सभी प्रोडक्ट को जितना अच्छा दिखा सकते हैं वो आपकी इच्छा है। और प्रमोशन के लिए आप चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोस्टली मैं आपके लिए वीडियोस भी मिल जाते हैं तो आप इन प्रमोशनल वीडियोस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वीडियो चलना शुरू हो गया तो आप चाहें तो इन्हीं वीडियोस के लिए आप शॉर्ट्स वगैरह में यूज करके और एक बहुत शानदार अर्निंग कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए दो वीडियो बना के दिए हुए हैं। आप यहाँ पे आएंगे, अभी मेरे ख्याल से लास्ट जो दो वीडियो मैंने आपके लिए दिए हुए थे वो यही दिए हुए थे कि आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लेके आ सकते हैं, कैसे सेल बढ़ा सकते हैं, उसके लिए 11 तरीके मैंने बताए हुए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 तरीके इस वीडियो में बताए हैं और 6 तरीके मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तो ये कहा जाए तो लुक एंड फील थोड़ा सा सेम दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे 6 वेज हैं और यहाँ पे 5 वेज हैं। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। तो आप ये समझ के रखिए कि 11 तरीके हैं जो कि मैंने खुद यूज किए हैं, मैंने इंप्लीमेंट किया है, उनसे मुझे बहुत शानदार ट्रैफिक आया है। तो अगर आप यहाँ पे एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना रहे हैं, अब वो आप चाहे किसी में भी बनाए, वूकॉमर्स में, वर्डप्रेस में, चिप में, या जो भी आपके लिए प्लेटफॉर्म मिलता है, विक्स मिलता है, जो भी प्लेटफॉर्म मिलता है उस प्लेटफॉर्म में आप बनाइए, लेकिन स्टार्टिंग जरूर कीजिए। अगर आप स्टार्टिंग ही नहीं करोगे तो रिजल्ट आएंगे कैसे। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो था AliScraper का, AliScraper का यूज करके फ्री में प्रोडक्ट को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं और शानदार फीचर कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट में जाएंगे, यहाँ
यहाँ पे आपके लिए डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आते हैं। जैसे अभी तो हम यहाँ पे हैं, अगर आप किसी भी एक कैटेगरी पे जाएंगे तो आपके लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आते हैं। आप उनको चूज करके बहुत ही शानदार प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पे आ रहे हैं कि आपको रेटिंग के हिसाब से भी आप चाहें तो सारी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4.6 रेटिंग वाले थे तो 4.6 रेटिंग वाले भी प्रोडक्ट हट गए, अब वही प्रोडक्ट दिखाई देंगे जिनमें 4.8 रेटिंग है। तो ये जो है ये मुझे कहा जाए तो मुझे बहुत शानदार लगी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये चीज भी बता दूं। तो आई होप सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे AliScraper से रिलेटेड। अगर आपका अभी भी इससे कोई डाउट है, एस पॉकेट में कोई भी डाउट है या किसी भी और ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म में डाउट है, आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं मोस्टली कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं, और अगर कभी मुझे ऐसा लगता है कि कमेंट से काम नहीं चलेगा, नया वीडियो बनाने की जरूरत है, तो मैं तुरंत के तुरंत एक नया वीडियो भी लेके आ जाता हूं। तो अगर आपका कोई भी इशू है मुझे कमेंट कीजिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। दोस्तों फ्रेंड फैमिली जो लोग भी अर्निंग करना चाहते हैं या ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो के लिए जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।